हेलो, आपका फिर से स्वागत है। सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। शारीरिक दुर्दशा का इलाज, ये बीमारी होती क्या है? बीमारी में होता है कि बार बार लक्षण दिखाई देते हैं, शरीर के अनेक हिस्सों में लक्षण दिखाई देते हैं और वो बदलते हुए लक्षण है। कभी इधर दर्द, कभी उधर दर्द, कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम, कभी पीठ दर्द, कभी फ्रंट दर्द, कभी बैक दर्द, कुछ भी होते जाएगा और फिर उनको अनेक सालों से ये रहते हैं। मिनिमम मतलब सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर डायग्नोज करना है तो उसको मिनिमम 2 साल यदि लक्षण रहे तो बोलते कि इसको सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि काफ़ी इलाज करने के बाद में भी इसमें फ़ायदा होता नहीं। बहुत सारे डॉक्टर ढूंढते रहते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी फाइल्स रहती है। महिलाओं में आबादी में 0.2 से लेकर 2% तक ये बीमारी होती रहती है, 0.2 से लेकर 2%, और पुरुष वर्ग में ओनली 0.2% है, मतलब पुरुष वर्ग में बहुत कम है। जो महिलाएं घर में रहती है ज़्यादा, हाउसवाइफ है, कम एजुकेटेड है, घर में उसको सिर्फ घर का काम है, बाकी उसको कुछ मालूम नहीं, कहीं बाहर आना जाना नहीं है, ऐसे महिलाओं में ये ज़्यादा दिखाई देता है। कम इनकम ग्रुप, कम शिक्षित और छोटे व्यवसायिक, छोटा सा है, छोटा परिवार है, छोटा व्यवसाय, वहाँ ये ज़्यादा दिखाई देता है। पाचन संस्था के लक्षण इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं, और पाचन संस्था के लक्षण मतलब ढका रहना, हिचकी लगना, ऐसे अनाज ऊपर ऊपर आना, फिर एसिडिटी लगना मतलब जलन होना, छाती में गले में जलन होना, बार बार एसिड ऊपर आया ऐसा लगता है, पेट फूल जाना, लेट्रिन साफ नहीं होना, भूख नहीं लगना, ऐसे पाचन संस्था के लक्षण दिखाई देते हैं। उसके अलावा बॉडी में दर्द, जोड़ों में दर्द, हाथ में दर्द, पैर में दर्द, ऐसे लक्षण है। फिर चक्कर आना, थोड़ा बैलेंस जाना या निगलने में तकलीफ होना, या कानों में ऐसे कुछ आवाज़ आना, या सर दर्द हो जाना ऐसा लगता है। उसके साथ साथ सेक्स के प्रॉब्लम है या फिर मस्तिष्क के अलग अलग प्रॉब्लम इसमें दिखाई देते हैं। स्त्रियों में मासिक धर्म का इरेगुलर होना और मासिक धर्म के बारे में काफ़ी प्रॉब्लम होते रहते हैं। अब ये बीमारी का इलाज क्या है? मेन बात तो वो है, इलाज ये है कि पेशेंट मेरे पास में जब आता है तो उसको मैं बोलता हूँ कि भैया तो अभी इतने डॉक्टर घुमा है, इतनी सारी फाइलें हैं, अब ये तू मेरे लिए मतलब अभी मैं तेरे लिए आखिरी का डॉक्टर हो सकता हूँ क्या? अभी तूने मेरे को छोड़ने का नहीं है, तो ये शर्त पे तू मेरे पास में आ जा। उसके साथ में मैं अच्छे रैपो तैयार करता हूँ। रैपो तैयार करना मतलब उसके साथ में मिलजुल जाना, घुल जाना, उसके क्या विचार है, उसकी क्या नीड है, उसको क्या इंटरेस्ट का है, उसको क्या कंसर्न है, उसके क्या एक्सपेक्टेशंस है, उसके बारे में उसके साथ में बातचीत करना और सिर्फ सुनना, सिर्फ सुनने का है, कुछ बोलने का नहीं है। जब बोलते रहता है तो काफ़ी सारा ज्ञान हमको होता है उसके जीवन के बारे में कि भाई वहाँ कहाँ अटका है वो, पति पत्नी का झगड़ा है, बच्चों के बारे में चिंता है, या फिर पेरेंट्स के बारे में कुछ है, फाइनेंशियल कुछ है, प्रमोशनल प्रॉब्लम है, धंधे में प्रॉब्लम है, जो भी कुछ है। तो मैं उसके साथ में एक रैपो एस्टेब्लिश करता हूँ, एक रिलेटेडनेस एस्टेब्लिश करता हूँ, उसको सहानुभूति एम्पथी भी होती है, तो एम्पथी मुझे एम्पथी बताता हूँ कि नहीं भाई मुझे समझता है कि तेरे को ये बीमारी है, उसका विश्वास जितना मेरा काम है कि उसका मैंने विश्वास जीतना चाहिए कि नहीं डॉक्टर मेरा ठीक करेगा, उसको विश्वास आना चाहिए, आत्मविश्वास आना चाहिए कि नहीं डॉक्टर की तरफ मेरी बीमारी अच्छी हो जाएगी, मुझे उसको बोलना पड़ेगा। और मैं बोलता हूँ कि भाई तेरे को सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर नाम की बीमारी है और ये साइकेट्रिक इलनेस है, इसमें सब जांच आपने करके देखे हुए तभी कोई भी शारीरिक बीमारी आपको दिखी नहीं है, शरीर के कोई हिस्से में कुछ पकड़ा नहीं गया है, सब जांच करने के बाद में कुछ मिला नहीं है, तो आपको ये शारीरिक बीमारी नहीं है, मानसिक बीमारी शारीरिक रूप से बाहर आई हुई है, ये मुझे उसको बताने का है। उसका एजुकेशन करना बहुत ज़रूरी है, और जब थोड़ा बहुत उसको फ़ायदा दिखता है मेरी दवाई से या मेरे साइकोथेरेपी से, तो उसका मैंने प्रेस करना चाहिए, उसको मैंने प्रशंसा करना चाहिए उसकी कि चलो बहुत अच्छा हो रहा है। एंटी डिप्रेशन जो है वो दवाई काफ़ी लोगों में काम में आती है, एंटी डिप्रेशन, जिससे डिप्रेशन उसके साथ साथ रहा तो वो ठीक तो हो ही जाता है,
और वैसा सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर भी एंटी डिप्रेशन देके काफ़ी मात्रा में अच्छा हो सकता है। तो ऐसे लोग हैं कि जिनको ये बीमारी है उनको तो ये वीडियो का फ़ायदा होगा, जिनको नहीं है मतलब उनको भी फ़ायदा होगा क्योंकि वो स्प्रेड कर सकेंगे, मालूम हो जाएगा, कभी आगे होती तो उसके बारे में उनको जानकारी मिलेगी। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकॉन आता है उसके ऊपर क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। हमारा जो मकसद है वो सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत ये है, उसमें आपका हाथ लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।